शांति। आइए सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। आज वाणी की ओरिजिनल डेट है 30/12/85 की वाणी है। वाणी की हेडिंग है विशाल बुद्धि की निशानी। आज सर्व स्नेही सहयोगी सहजयोगी बच्चों से स्नेह के सागर सर्व खजानों के विधाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। ये रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाप का भी विधाता वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हुई हैं। क्योंकि सभी लोग राज विद्या साइंस की विद्या अल्पकाल के राज अधिकार व धर्म नेता का अधिकार इसी को ही आज की दुनिया में विशेष मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वह किसी भी नामी ग्रामी में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष उच्च आत्माएं बन जाती हो। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन और वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गई ना तो ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने, ऐसा अनुभव होता है नशा? ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना यही तो बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है तो कौन मानेगा? आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं बाप को दिल के स्नेह दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। दिलाराम बाबा को दिल का स्नेह पसंद है। इसलिए जो भी हो जैसे भी हो लेकिन परमात्मा को पसंद हो। इसलिए परमात्मा ने अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं बाप आएगा उस समय ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है कि जो पाना था सो पा लिया। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिमान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया। पहचान लिया प्राप्त कर लिया अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है ना, है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में भी बिजी हो गए हो बेहद की स्टेज पर स्थित हो
बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशेष प्रोग्राम बनाए हैं, विशाल प्रोग्राम बनाए हैं। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग, विशाल रूप की तैयारियां भी की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारियां की हैं क्या? इसको ही विशाल तैयारियां कहेंगे क्या? जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता है? ड्यूटी बजाना यह आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद के विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। क्या निशानी बताई बाबा ने? हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। चाहे भोजन खिलाने की हो, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशालता। जो एक वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर करो। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, वह सोचते हो जैसे चलता है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है, जैसे समय समीप आ रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो, सभी कर रहे हो, या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं? सभी का कार्य है ना, तो हरेक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है, जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े करेंगे, इतनी सारी सभा क्या करेगी। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके कार्य संपन्न करना है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में? चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, तो बाबा ने कहा उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हरेक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते तो शुभकामनाएं भेजते हैं, तो आप उनसे कम हो क्या? आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को सफल अवश्य बनाएगी। तो यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए। और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना गवाएं। हर संकल्प से, हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हो, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसास द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते हो? कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे, लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता है, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना ही है।
हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। सेवा कहाँ भी हो, बाबा ने कहा हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार है तो भाषण का चांस मिलना चाहिए, या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है। इनको जिम्मेवारी नहीं कहते। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की चाहे स्टेज पर आने की, मुझे तो सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना। खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन ही जाने वाली है। इस खुशी की लहर, ऐसी खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं हैं, ना उम्मीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो, यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। समझा क्या करना है? जो अब तक नहीं किया, अब वह करके दिखाना है। बाबा ने कहा जो अब तक नहीं किया, अब करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाता है, और अंत में जो मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों को, अनेकों के निमित्त बन जाएं। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना, अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की, स्व की सेवा की, और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। समझा बाबा ने का क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना आने वाला भी हाँ कर देता है। समय ना होते भी समय निकाल लेते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है, तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो ये धरनी ही ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं, आप कैसे थे बदल गए ना, तो शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। अच्छा, अपने घर में आए हो, ये तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना, जितनी संख्या उतना ही बात बचता है। बीच बाबा ने कहा जितनी संख्या उतना ही बढ़ता है। चीज चार हो, लेने वाले आठ हो तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतने क्यों आए हो, भले आए स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि तो बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएंगे। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही, ऐसे नहीं अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली अब जितना होगा, नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों के निमित्त, जिन्हों को निमित्त बना सकते हो। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर वन होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर वन हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर वन होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद भी देंगे।
इस समय लोग बहुत भयभीत हैं। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो, जो वह समझें कि फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा क्या करना है? अब बाबा ने कहा, देखेंगे कौन कौन जोन ऐसी नवीनता करेंगे, संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं, फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना है, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की व्रति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले, ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत दिल से थैंक्स। अभी बाबा कुमारियों से मिले। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है, कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो, सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो, विश्व सेवाधारी बनेगी या हद की बनेगी, गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। तो आप कुमारियां जो चाहे वह कर सकती हो, आज की गवर्नमेंट जो कहती वह कर नहीं पाती है। ऐसे राज्य में रह कर के सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है? पूछा बाबा ने। लक्ष्य यही रखना कि नंबर वन लेना है। सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपकी जीवन से पाठ पढ़ ले। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े यह है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। मुख के टीचर नहीं, मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वह मानते नहीं है। कहते सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखने चाहते हैं। देखो, रेडियो सुनने की चीज है, टीवी देखने की चीज है, तो क्या पसंद करेंगे? टीवी सुनने से देखना पसंद करते हैं, तो आपकी जीवन भी देखना चाहते हैं। कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। अब ऐसा लक्ष्य रखो तो समझा क्या करना है। संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है उसको तो जानती हो ना। संगम युग पे सबसे महान कुमारियां हैं। बाबा ने कहा, संगम युग पे सबसे महान कुमारियां हैं। तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है, क्या लक्ष्य रखा है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है क्या? क्या टोकरी उठाएंगी? किस चीज की टोकरी? बाबा ने बोला नौकरी की टोकरी उठाएंगी। अभी देखना है, चेक करना है। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया बच्चों को, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सुमालिक
अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अच्छा, आज जैसे कि सभी को मालूम है आज रविवार है और विशेष आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहने शाम 6:30 से 7:30 बजे तक संगठित रूप में एकत्र हो योग अभ्यास का अनुभव करेंगे और संकल्प करेंगे मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। तो ऐसे सम्मान लेते हुए दिव्य संकल्प लेते हुए शाम को सभी भाई बहने 6:30 से 7:30 विशेष विश्व शांति के लिए योग करके अपना शांति का दान दें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।